हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। जो कौन सा मोन्यूमेंट्स किसके द्वारा बनाया गया है, इस पर एक क्वेश्चन आप लोगों को किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और जो आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, यहाँ से तो आप लोगों को हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल रहा है कि कौन सा मोन्यूमेंट्स किसके द्वारा बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट्स, मैं आप लोगों को सारे कवर करवा दूंगा। 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग सारे मॉन्यूमेंट्स कवर कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट एक वन लाइनर की फॉर्म में मैं आप लोगों को करवाऊंगा कि कौन सा मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर है और वो किसके द्वारा बनवाया गया है। तो दो ही क्वेश्चन आते हैं, या तो आप लोगों से पूछ लेगा कि वो मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर है, या फिर आप लोगों से पूछ लेगा कि वो किसके द्वारा बनाया गया है। तो जो सबसे पहला आता है आप लोगों का कनेरी केव, जो कनेरी की केव है ये कहाँ पर पड़ती है, ये मुंबई में पड़ती है, और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बुद्धिस्ट के द्वारा बनाई गई थी कनेरी केव। उसके बाद एलिफेंटा केव आती है, जो एलिफेंटा केव है ये कहाँ पर पड़ती है, ये भी मुंबई में पड़ती है, और ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, ये बनवाई गई थी राष्ट्रकूटाज के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का अजंता केव, जो आप लोगों की अजंता केव है वे किसके द्वारा बनवाई गई थी। अजंता का मतलब ये होता कोई नहीं जानता, तो जो वो कोई नहीं जानता वो गुप्त होता है। तो अजंता केव किसके द्वारा बनवाई गई थी, गुप्त रूलर के द्वारा बनवाई गई थी, और ये कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही पड़ती है, कौन सी, अजंता केव। उसके बाद नेक्स्ट केव आती है आप लोगों की एलोरा केव, जो एलोरा केव थी ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो ये आप लोगों की औरंगाबाद में स्थित है महाराष्ट्र के, और ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, ये भी बुद्धिस्ट के द्वारा बनवाई गई थी एलोरा केव। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कंदरिया महादेव टेम्पल, जो कंदरिया महादेव टेम्पल है ये कहाँ पर स्थित है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन आता रहता है कि कहाँ पर है, तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए ये खुजराहो में स्थित है मध्य प्रदेश के, कौन सा, कंदरिया महादेव टेम्पल, और ये मतलब किसके द्वारा बनवाया गया था, तो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था कंदरिया महादेव टेम्पल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का मृगनयनी प्लेस, जो मृगनयनी प्लेस है ये कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है, और इसको राजा मान सिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का धाड़ फोर्ट, जो धाड़ का फोर्ट है तो वो कहाँ पर स्थित है, ये तो मध्य प्रदेश के धाड़ में ही स्थित है, और इसके द्वारा किसके किसके द्वारा बनवाया गया था, इसको बनवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों का गोलकुंडा फोर्ट, जो गोलकुंडा फोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है, और इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाया था कुतुब शाही के द्वारा बनवाया गया था गोलकुंडा फोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कोचीन का फोर्ट, जो कोचीन फोर्ट है कोचीन जगह केरला में पड़ती, तो केरला में स्थित है, और इसको पुर्तगाली के द्वारा बनवाया गया था, जो पुर्तगालीज वगैरह थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विजय स्तंभ, इसको विक्ट्री टावर भी बोलते हैं, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आप लोगों का चित्तौड़गढ़ में सिचुएटेड है, और इसको राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था विजय स्तंभ को। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार है वो दिल्ली में स्थित है, और किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, और जो आप लोगों का कुतुबुद्दीन ऐबक का जो रूल स्टार्ट होता है वो कब से कब स्टार्ट होता है, तो 1206 से लेकर के 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया है, और सलेब डायनेस्टी या फिर ममलुक डायनेस्टी इसकी फाउंडेशन किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये अजमेर में सिचुएटेड है, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था। उसके बाद हौज खास आप लोगों का कहाँ पर सिचुएटेड है, दिल्ली में स्थित है, और ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था हौज खास, क्या, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था हौज खास। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कब से कब तक रूल किया, तो इन्होंने 1296 से लेकर के 1316 तक, यानी कि 20 साल तक रूल किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ को कनक्कर करने के लिए किसको भेजा था, तो आप लोगों से क्वेश्चन आता, तो मलिक काफूर को, किसको भेजा था, मलिक काफूर को भेजा था, ये नाम आप लोग नहीं भूलेंगे। उसके बाद आप लोग याद रख सकते कि मार्केट में रिफॉर्म्स कौन कर लेकर आया था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी लेकर आया था। उसके बाद अलेक्जेंडर द्वितीय किसको बोला जाता है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट आप लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का तुगलकाबाद का जो शहर है ये किसने बसाया था, दिल्ली में स्थित है, ये भी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बसाया गया था। उसके बाद जो फिरोज शाह कोटला है, ये फिरोज शाह कोटला दिल्ली में ही है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। अगर आप लोगों से क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको बोलते हैं, तो हो जाएगा आप लोगों का फिरोज शाह तुगलक, किसको बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक को बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का अकबर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का बूंदी फोर्ट, जो बूंदी फोर्ट है ये बूंदी जगह राजस्थान में पड़ती, तो वहीं पर सिचुएटेड है, और राजा नगर सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का पिचोला लेक, जो आप लोगों की पिचोला लेक है ये कहाँ पर है, उदयपुर राजस्थान में पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं आप लोगों की रानी की बाड़ी, जो रानी की बाड़ी है ये कहाँ पर पड़ती है, तो बूंदी राजस्थान में पड़ती है, और रानी नाथवती के द्वारा ये बनवाई गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कि जंतर मंतर दिल्ली वाला एंड जयपुर वाला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था शिवाजी जयसिंह के द्वारा बनाया गया था, सवाई जयसिंह, किसके था, सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था जंतर मंतर दिल्ली में।
फिर आता है मोती मस्जिद, जो आप लोगों का दिल्ली में रेड फोर्ट है उसी के अंदर एक मोती मस्जिद बनी गई है। तो ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। औरंगजेब ने कब तक रूल किया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। औरंगजेब ने रूल किया 1658 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब ने रूल किया है। इनको जिंदा पीर बोला जाता है। किसको? औरंगजेब को बोला जाता है जिंदा पीर। ये भी फैक्ट आप लोग ये ध्यान रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का आराम बाग। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? आगरा में सिचुएटेड है। और यहाँ पर क्या है? ये बाबर के द्वारा बनवाया गया था। और रेड फोर्ट दिल्ली में, और ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था रेड फोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो हुमायूं टॉम्ब है। जो हुमायूं टॉम्ब है किस कहाँ पर सिचुएटेड है? दिल्ली में सिचुएटेड है। और हमीदा बानो बेगम जो वाइफ ऑफ हुमायूं थी उसके द्वारा बनवाया गया था हुमायूं टॉम्ब। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का शालीमार बाग। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? श्रीनगर में सिचुएटेड है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों का 14 जनवरी को पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का सेंट जॉर्ज फोर्ट। जो सेंट जॉर्ज फोर्ट है ये तमिलनाडु यानी चेन्नई में स्थित है। और ये चेन्नई में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। ईयर भी याद रख सकते हैं, तो 1639 में बनवाया था ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का शेर शाह टोम्ब। जो शेर शाह का जो टोम्ब है वो किस कहाँ पर सिचुएटेड है? तो सासाराम बिहार में सिचुएटेड है। और सन ऑफ शेर शाह के द्वारा शेर शाह का टोम्ब बनवाया गया था। शेर शाह के द्वारा और हुमायूं के बीच में दो बैटल लड़ी गई थी। एक बैटल लड़ी गई थी आप लोगों की 1539 में, और एक नेक्स्ट बैटल लड़ी गई थी आप लोगों की 1540 में। दोनों बैटल आप लोगों को ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है, कोई से भी पूछी जा सकती है। जो 40 में लड़ी गई थी वो बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बैटल ऑफ बिलग्राम थी। और जो बैटल ऑफ चौसा थी वो आप लोगों की 1539 में लड़ी गई थी। बैटल ऑफ चौसा 1539, बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम बैटल, ये लड़ी गई थी आप लोगों की 1540 में लड़ी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो फतेहपुर सीकरी है कहाँ पर? आगरा में। ये अकबर के द्वारा बनवाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो दिल्ली में पुराना किला है, ये दिल्ली में स्थित है। ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया है। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का अकबर का टॉम्ब कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा जगह यूपी में पड़ती है, वहाँ पर है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। चश्मे शाही ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये किसके द्वारा ये बनवाई गई थी? अली मर्दान के द्वारा बनवाई गई थी, चश्मे शाही खान, अली मर्दान खान के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का एतमाद उद्दौला का जो टोम्ब है आगरा में, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। और ताजमहल जो आगरा में, ये किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं निशात बाग। जम्मू कश्मीर का जो निशात बाग है ये आशफ अली के द्वारा बनवाया गया है। और जो शीश महल है आगरा का, ये किसके द्वारा बनवाया गया? ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। खास महल आगरा का, ये भी शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का दीवाने खास। जो दीवाने खास है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? आगरा फोर्ट में, यूपी में। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये भी शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। बड़ा इमामबाड़ा, जो बड़ा इमामबाड़ा ये लखनऊ में सिचुएटेड है, ये बनवाया गया था नवाब आसफ उद्दौला के द्वारा बनवाया गया था बड़ा इमामबाड़ा। अगर बात कर लेते छोटा इमामबाड़ा, तो ये आप लोगों का बनवाया गया था मोहम्मद अली के द्वारा। दोनों के दोनों इमामबाड़े लखनऊ में सिचुएटेड हैं। और एक नवाब आसफ उद्दौला ने बनवाया था, और जो छोटे वाला बनवाया था वो मोहम्मद अली के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट आता है आप लोगों का पादरी की हवेली। तो ये आप लोगों के पटना बिहार में है। और इसको किसने बनवाया था? तो फादर कैपुचियन्नी के द्वारा बनवाई गई थी पादरी की हवेली। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फोर्ट विलियम। जो फोर्ट विलियम है कलकत्ता में सिचुएटेड है, और ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बनवाया गया था फोर्ट विलियम। उसके बाद बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, बीबी का मकबरा। नेक्स्ट आता है आप लोगों को सफदरजंग का मकबरा, ये दिल्ली में स्थित है। और ये इसको शुजाउद्दौला के द्वारा बनवाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का बेलूर मठ बोल सकते हो, या बेलूर मठ बोले तो ये कोलकाता में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था स्वामी विवेकानंद ने 1893 में। स्वामी विवेकानंद शिकागो में, इनके जो बहुत ही फेमस स्पीच है वो भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आनंद भवन। जो आनंद भवन है कहाँ पर स्थित है? ये आप लोगों का इलाहाबाद यूपी में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? इसको मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनवाया गया था आनंद भवन। नेक्स्ट आता है आप लोगों का लक्ष्मण झूला कहाँ पर सिचुएटेड है? आप लोगों का ऋषिकेश में सिचुएटेड है लक्ष्मण झूला। नेक्स्ट आता है आप लोगों का शांति निकेतन, ये वेस्ट बंगाल में है। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनवाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबल दिया गया था लिटरेचर का, वो 1913 में दिया गया था, गीतांजलि के लिए दिया गया था। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है। और ये किसने बनवाया था? इसको महात्मा गांधी के द्वारा बनवाया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम आप लोगों का मुंबई में, और इसको जॉर्ज फाइव के द्वारा बनवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? आप लोगों का मुंबई में है। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है आप लोगों का प्रेसिडेंट हाउस। तो प्रेसिडेंट हाउस कहाँ से आप लोगों का? ये दिल्ली में है। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया गया था ब्रिटिश हाउस को। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विक्टोरिया मेमोरियल। जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये कोलकाता में सिचुएटेड है, और ये पश्चिम बंगाल में है। क्या? पश्चिम बंगाल में विक्टोरिया मेमोरियल। उसके बाद आता है आप लोगों का बोटनिकल गार्डन। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये भी पश्चिम बंगाल के शिवपुर में स्थित है बोटनिकल गार्डन।
नेक्स्ट आता है आप लोग का सनसेट पॉइंट। जो सनसेट पॉइंट है ये कहाँ पर है, माउंट आबू राजस्थान में है सनसेट पॉइंट। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आप लोग का चार मीनार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार मीनार ये भी पूछा जाता है कि आप लोगों से कि चार मीनार है ये किस डिसीज़ को डिनोट करती है, तो आप लोग याद रख लेना प्लेग, प्लेग के बारे में जो रिलेटेड है वो चार मीनार है। पूरी हैदराबाद में स्थित है और इसको कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था हैदराबाद में, जो चार मीनार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आप लोग का सन टेम्पल, ये आप लोग का कोणार्क उड़ीसा में सिचुएटेड है और इसको नरसिंह देव ने बनवाया था सोना, जो आप लोग का सन टेम्पल यानी जो आप लोग का कोणार्क टेम्पल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कोणार्क में सिचुएटेड है, तो किसने बनवाया था, नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, जो नेक्स्ट आता है आप लोगों का जगन्नाथ टेम्पल, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये भी पूरी उड़ीसा में है और इसको किसके द्वारा बनवाया गया था, चोला गंगा देव के द्वारा बनवाया गया था, जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का लक्ष्मी टेम्पल, जो आप लोगों का लक्ष्मण टेम्पल है, जो लक्ष्मण टेम्पल है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, आप लोगों का छतरपुर मध्य प्रदेश में है और इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाया था चंदेल रूलर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट आता है आप लोगों का लक्ष्मण टेम्पल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, जो दिलवाड़ा जैन टेम्पल है ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है और इसको विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था, दिलवाड़ा का माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन टेम्पल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विष्णुपद टेम्पल, जो आप लोगों का विष्णुपद टेम्पल है ये कहाँ पर बिहार में सिचुएटेड है और इसको किसके द्वारा, रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हरमंदिर साहिब, जिसको गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं, हरमंदिर साहिब ये आप लोगों का कहाँ पर सिचुएटेड है, ये पटना वाला हरमंदिर साहिब जो एक गोल्डन टेम्पल है वो आप लोगों का पंजाब के अमृतसर में स्थित है और इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाया था महाराजा रणजीत सिंह के, बनवाया गया था हरमंदिर साहिब। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो काली टेम्पल पश्चिम बंगाल में स्थित है कोलकाता में और इसको रानी रासमोनी के द्वारा बनवाया गया था, लक्ष्मी नारायण टेम्पल ये आप लोगों का दिल्ली वाला है और इसको बिरला फैमिली ने बनवाया था, लक्ष्मी नारायण टेम्पल दिल्ली वाला। नेक्स्ट आता है आप लोगों का खिड़की मस्जिद कहाँ पर है, आप लोगों की दिल्ली में और इसको गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था खिड़की मस्जिद को। नेक्स्ट आती है आप लोगों की शेरशाही मस्जिद, जो शेरशाही मस्जिद है ये पटना बिहार में सिचुएटेड है और इसको परवेज शाह के द्वारा बनवाया गया था शेरशाही मस्जिद को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आप लोगों की जो मक्का मस्जिद है हैदराबाद वाली, ये कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाई गई थी मक्का मस्जिद। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मक्का मस्जिद कहां पर है, तो हैदराबाद में है और कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाई गई थी मक्का मस्जिद। नेक्स्ट आता है आप लोगों का पत्थर की मस्जिद, जो पत्थर की मस्जिद है आप लोग की पटना बिहार में है और इसको किसके, परवेज शाह के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद आता है आप लोगों का पत्थर की मस्जिद, ये आप लोगों की कहाँ पर है दूसरे वाली, ये है आप लोगों की जम्मू एंड कश्मीर में है और इसको नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, किसके, नूरजहाँ के द्वारा। जो ऊपर वाली आती है पत्थर की मस्जिद, ये आप लोगों की पटना वाली है और जो नीचे एक पत्थर की मस्जिद आती है जम्मू कश्मीर वाली, इसको नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जामा मस्जिद आगरा वाली किसने बनवाई थी, शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई थी। मोती मस्जिद में आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ, जो आगरा के फोर्ट में दो मोती मस्जिद है, आप लोगों की कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाए, अगर पूछे दिल्ली वाले फोर्ट में जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई थी और जो आगरा वाले फोर्ट में मोती मस्जिद है वो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जामा मस्जिद आप लोगों की दिल्ली में, ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, ये शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट जो फोर्ट्स थे आप लोगों के, मोन्यूमेंट्स थे जितने भी थे, मैंने सारे के सारे कवर करवा दिए हैं। जितने भी अगर इससे फोर्ट से रिलेटेड अब भी कोई भी क्वेश्चन आता है आप लोगों का मोन्यूमेंट्स से, तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसमें हम लोगों ने सारे मोन्यूमेंट्स कवर कर लिए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।